सर्दियों के मौसम में कमर दर्द, जोड़ों में दर्द, शरीर में अकड़ाहट और त्वचा का रूखापन, ये तो सभी हम लोग झेलते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ, बड़ा ध्यान से सुनिए, बहुत ही पुरानी तकनीक है। आपको ध्यान होगा, बचपन में हमारी माताएं जो है पूरे शरीर में मालिश किया करती थी, तिल के तेल से मालिश, सरसों के तेल से मालिश। क्या आपको मालूम है कि ये जो मालिश है कोई सरल चीज़ नहीं है? आयुर्वेद में इसको अभ्यंग का नाम दिया गया है और ये न केवल हमारी त्वचा को लुब्रिकेट करती है, त्वचा को स्निग्ध बनाती है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले जो हमारी त्वचा के ये जो छिद्र हैं, जो पोर्स होते हैं, जब तेल की मालिश करते हैं तो तेल इनके अंदर जाता है और टॉक्सिन्स वहाँ से बाहर निकलते हैं। त्वचा मुलायम होती है, मांसपेशियों में ताकत आती है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। ख़ास तौर से ऐसे लोग जो बुज़ुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं या बीमार हैं, जो एक्सरसाइज नहीं कर पाते, उनके लिए मसाज यानी अभ्यंग जो है वो एक पैसिव एक्सरसाइज का काम भी करती है। जो नर्वस सिस्टम है, मालिश से यानी कि तिल के तेल से मालिश करने से उसको भी शक्ति मिलती है। इसके अलावा हम अगर थोड़ा सा अंदर जाएं तो इंटरनली हमारे जो चैनल्स हैं, जो स्रोतस हैं, वो साफ रहते हैं। हमारी अग्नि यानी कि मेटाबॉलिज्म हमारा इम्प्रूव होता है। और सिर में जब आप मालिश करते हैं तो आपका अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, डेंड्रफ की प्रॉब्लम है, या आपके बालों की ग्रोथ सही नहीं हो रही है, उसमें भी आपको लाभ मिलता है। ओवरऑल देखें तो अभ्यंग यानी कि तिल के तेल से नियमित रूप से मालिश करने से बहुत सारे फायदे हमारे शरीर को होते हैं और हमारा मन भी प्रसन्न रहता है। इसीलिए आपने सुना होगा, मैं अक्सर बार बार इसका आप सभी को सुझाव देता हूँ कि हमें हर रोज़ तिल के तेल से मालिश करनी चाहिए। मालिश करने से पहले तेल को हल्का सा गर्म कर लें तो बहुत अच्छा है। या जो तेल की आपकी बोतल है वो आप गर्म पानी में थोड़ी देर रखें और शुरुआत करें सिर से। सिर पर थोड़ा सा मालिश करें, उसके बाद कान के पीछे, चेहरे पर, गर्दन पर, और इस तरह से पूरे शरीर में तेल लगाकर जेंटल मसाज करते हुए आप पूरे शरीर में एड़ी तक तेल लगाकर मालिश करिए। जीवा का मसाज ऑयल बहुत ही फायदेमंद है। आम तौर पर लोग इसका प्रयोग करते हैं, बहुत थिक नहीं है, लाइट है और कई तरह के बेनिफिट्स इसके हैं। इसके अलावा जीवा में मेडिकेटेड तिल का तेल भी हमारे यहाँ पर उपलब्ध है, उसका प्रयोग भी आप मालिश यानी कि अभ्यंग के लिए कर सकते हैं। मालिश करने का सही समय है मॉर्निंग में, यानी कि सुबह जब आप अपना मोशन क्लियर करके, पेट साफ करके, उसके बाद बिफोर यू गो फॉर एक्सरसाइज थोड़ा तिल के तेल से मालिश करिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो नहाने से पहले भी आप थोड़ा सा शरीर में तेल लगा सकते हैं। और जब आप रात को घर आते हैं उस समय थोड़ा हल्का तेल लगा के जेंटल मसाज स्पेशली हेड में कर सकते हैं, ताकि रात को अच्छी नींद आए और सोने से पहले तलवों में भी मालिश करने से अच्छी गहरी नींद आती है। आज आपको इसका जो है सीक्रेट क्या है ये समझ आया होगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आपको ख़ास तौर से इस सर्दी के मौसम में तो अवश्य जो है मालिश करनी चाहिए। मालिश करने से ना केवल आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, आपका मन भी प्रसन्न रहेगा, नींद भी अच्छी आएगी और बहुत सारे रोगों से आप मुक्त रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।